उससे पहले एक दो गेम हो चुके थे हाँ. और उस गेम में मैं एक गेम में तीन गेम हो चुके थे तीन गेम गेम से पहले मैं एक या दो गेम ना उस में उसमें उसमें था था ये जो प्लेयर वाला, वाला रूल था, था, हाँ, करेक्ट तो ये तो दिमाग में रहता ही है कि हाँ कि आपको एक रोल दिया गया है तो, तो हाँ. इम्पैक्ट वाला कहीं ना कहीं हो सकता है अगर पहले बॉल डालेंगे या पहले बैटिंग करेंगे वो वाला सीन है ना तो दो ढाई बजे मुझे जब आशुभा का मैसेज आया तो मेरे दिमाग में था कि हाँ जो जनरली वो मैसेज करते हैं पंडित यून से भी लिखा थैंक यू थैंक यू भाई <laughs> तो दो ढाई बजे मुझे बेसिकली पता चला कि मैं पंजाब वाला गेम खेल रहा हूँ यू विथ जी टी लास्ट ईयर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैपेसिटी अ डिफरेंट रोल आई नो यू आर टायर्ड टॉकिंग अबाउट बहुत <laughs> लोगों ने आपको बहुत पूछा है इसके बारे में इसको बहुत सेंसेशनलाइज कर दिया है हाँ। क्योंकि वो एक सब प्लॉट सा है ना अच्छा लास्ट ईयर यू आर इन दिस यू आर नॉट एग्जैक्टली पार्ट ऑफ इट बट यू आर अ पार्ट ऑफ इट दिस ईयर यू यू नो डिफरेंट कैपेसिटी डिफरेंट स्टोरी लाइन सो हाउ डू यू लुक एट दिस होल नेट बोलर वर्सेस नेट बोलर वो कहा जाता है ना आई डोंट नो इट्स डिफिकल्ट था आ, मेरे फैमिली वालों के लिए आ, क्योंकि कैसे? मैं हाँ मैं वो बता रहा हूँ कि मैं जनरली मैं सोशल मीडिया वाला बंदा हूँ नहीं इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो आज के टाइम में हम लोग सब हैं कहीं ना कहीं जो ये बोलता है कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ वो भी थोड़ा बहुत है <laughs> तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट मेरे पे भी पड़ा जब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं उससे बड़ा हुआ mm. जब वो बम फूटा mm. कि भाई ऐसे ऐसे, ऐसे चीज है तो मैं जब आया भी था अगर मैं शुरू से शुरू करता हूँ जब मैं आया था तो मैं ये बोल के आया था कि जब ये चीज़ होगी mm. तो ऐसे होगी एंड बी रेडी फॉर दैट ठीक है ये सब चीजें होंगी क्योंकि mm. जैसे तूने बोला कि यू you नो know, एक आप इतनी चीज़ें कर चुके हो पास में uh. और वो चीज़ें होने के बाद फिर आप जब नेट बॉलर बनते हो या आप यू नो जाके प्रैक्टिस करते हो तो वो जब मीडिया में आती है ना तो इट्स नॉट ईजी टू डाइजेस्ट थिंग समटाइम्स कि इतना ईजी नहीं होगा वो डाइजेस्ट करना कि यार क्योंकि आपको कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया जाएगा आप खुद नहीं सोच सकते hmm. तो वो कुछ दिनों कुछ दिनों के लिए जब चीज़ें आई तो श्वेता के लिए बहुत डिफिकल्ट था hmm. इधर उधर मतलब मम्मी के लिए भाई के लिए तो मैंने वो चीज़ देखी है वो चीज़ फील करी है

तो मैंने बोला कि यार पजी मेरा मन है घर जाने का तो आशु भाई बहुत क्लियर है चीजों को लेके बहुत ज्यादा क्लियर है आशु भाई ने बोला कि पंडित जो तेरा मन करे वो कर ले hmm. जाने नहीं hmm. <laughs> तो नहीं दूंगा उन्होंने बोला कि यार देख wow. टीम तेरे सामने है ठीक hmm. है hmm. बहुत सारे लोग ऐसे थे हमारी टीम में जो कहीं ना कहीं इंजरी प्रोन थे क्योंकि वरुण खेल रहा था एंड मोहम्मद शमी है देन सांगवान है तो यश, uh, यश दयाल बैक से उठा था तो इन सब की हिस्ट्री जो है अगर मैं शमी को हटा दूं शमी बहुत कम इंजर्ड हुआ है लेकिन वरुण का हिस्ट्री भी इंजर्ड होने का है right. और uh, सांगवान का यश दयाल खुद इंजर्ड होके आ रहा था उसकी बैक right. में स्ट्रेस फ्रैक्चर था तो right. टीम कहीं ना कहीं हल्की सी बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अनस्टेबल थी तो उनके दिमाग में था कि कोई भी अगर इंजर्ड होता है तो हमारे पास एक रेडी प्लेयर है जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक खेल के आया है Correct. बॉलिंग करके आया है और हमारे लिए कर रहा है मेरे को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ढूंढने की जरूरत नहीं है बाहर जाके आप यहीं से यहीं सीधा पिक कर सकते हो Correct. तो जब उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई तो मेरे को भी सेंस करी वो चीज़ और वो उन्होंने टूर्नामेंट से पहले भी मुझे बोला था कि तू उस तरीके से मत सोचियो मैं बेसिकली तू और बरिंदर सरान को हम लोग इस तरीके से लेके चल रहे हैं अगर कोई इंजर्ड भी होता है mm. तो राइट ई लेफ्ट के हिसाब से हम लोग अंदर डालेंगे करेक्ट करेक्ट तो वो चीज़ थोड़ी हेल्पफुल थी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें आप उस टाइम पर ढूंढते हो कि पॉजिटिव आपको चीज़ें मिलें और आप फिर आगे यू नो कि आगे बढ़ो और टूर्नामेंट mm. जैसे भी खत्म होता है वैसे उसे हाई नोट पर ख़त्म करो द वर्ड दैट इज गोइंग अराउंड इन माईड वॉज ई गो यू सेट इट ऑल्सो बट हाउ मच ऑफ इट वॉज जस्ट दैट

जब किसी चीज़ ने आपको बनाया होता है ना तो आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है आपका पूरा यू you नो know, धर्म बनता है उस चीज़ के पीछे कि जब तक वो आपसे चीज़ें मांग रही है आप देते रहो कोई दिक्कत नहीं है तो क्रिकेट मुझे लगता था कि अभी दो तीन साल कहीं ना कहीं मेरे पास बचे हुए हैं जैसी मेरी बॉडी चल रही थी और जैसा डोमेस्टिक जा रहा था या जैसी प्रैक्टिस में मैं भाग रहा हूँ या मैं फील्डिंग कर रहा हूँ वो मैं ज़्यादा उन चीज़ों से मुझे पता चलता है कि फील्डिंग में आपकी रीच कितनी अच्छी है जब आपकी रीच फील्डिंग में कम होनी शुरू हो जाती है ना तो आपकी बॉलिंग भी वहाँ से गिरनी शुरू हो जाती है तो ये जो जो बात बोल रहे हैं ना कि ईजी uh, जाने का या चीज़ों को बहुत ऐसे लेने का तरीका वो मुझे लगता है कि इतना डिसपॉइंटमेंट uh, मैंने देखा है लाइफ में और अपनी फील्ड में लेके कि yeah. इतना ज़्यादा फेलियर देखा है कि उनसे डील करने का तरीका ना आप एग्रेसिव होकर उनसे डील नहीं कर सकते यू एक्सेप्ट इट हाँ लाइक like फुल्ली मुझे uh, दो चीज़ें हैं जो लाइफ में मुझे लगता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को अपनानी चाहिए जिनसे चीज़ें शुरू होती हैं और जिन पे चीज़ें खत्म होती हैं अगर आपकी एक्सेप्टेंस स्ट्रांग नहीं है तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते hmm. और अगर आप किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन रखते रखते ही रहोगे रखते ही रहोगे चलते ही रहोगे तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते hmm. ये बहुत सिंपल सा फंड है तो अगर आपको अपनी क्रिकेट भी अच्छी करनी है तो आपको पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं hmm. अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि मैं यही नहीं मान रहा हूँ मैं अगर यही बोलता रहा सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है एट द सेम टाइम मैं अपने आप को यही बोलता रहा हूँ कि नहीं यार आई एम दिन वो सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे एक स्मार्ट होना अलग चीज है और इगो अप करनी अलग चीज़ है तो वो वाली कहानी एंड यू 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 मेड मेड योर जी टी वर्सेस पंजाब मैन ऑफ द मैच फर्स्ट गेम प्लेयर ऑफ द मैच राइट पहले मैच में बिल्कुल देन वॉट वॉज योर प्रोसेस लाइक व यू ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मुझे सबसे ज़्यादा विकेट लेने हैं पर्पल कैप लिस्ट में ऊपर जाना है वॉट वॉज योर माइंड सेट लाइक बिकॉज यू नो ट्वेंटी थर्टीन इज वैन यू मेड योर डेब्यू ट्वेंटी फोर्टीन न्यू वर् पर्पल कैप होल्डर फॉर चेन्नई राइट अवे राइट उसके बाद टू डू इट नाउ अगेन मैंने मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती कि मैं बीस ओवर के गेम को इस तरीके से नहीं देखता था कि मैं जाके डोमिनेट करूँ उस टाइम तक मैं बीस ओवर के गेम को इस तरीके से देखता था कि चुपचाप अपना काम करो और निकल जाओ दैट्स इट तुम्हारा बहुत छोटा सा पार्ट है करेक्ट चार ओवर का पार्ट है तुम्हारा चार ओवर का पार्ट निभाओ और चुपचाप जाकर फील्डिंग करो क्योंकि फील्डिंग आपके हाथ की चीज़ है अच्छी और बुरी फील्डिंग में दिन नहीं है करेक्ट करेक्ट बॉलिंग में आपका दिन है तो बॉलिंग में ये होता है कि हाँ भाई अपना काम करके निकल जाओ तो मैंने तब भी एक ही चीज़ बोली थी कि जितना भी ज़्यादा हो सकता है ना कोशिश करो कि डॉट बॉल डालनी है जितनी भी ज़्यादा जब आप डॉट बॉल पर फोकस करते हो ना तो जितने भी बॉलिंग कोचेज हैं जितनी भी बॉलिंग मीटिंग होती है उन पर हमेशा बोला जाता है कि हर एक सिंगल बॉल आपका इवेंट है करेक्ट राइट right? तो जब मैं डॉट बॉल पर फोकस कर रहा हूँ हाँ. तो उसका मतलब सीधा सा है कि आप हर बॉल पर फोकस कर रहे हो hmm. तो आपका दिमाग से आप अंदर घुसे हुए हो hmm. तो वो सबसे जरूरी था मेरे लिए तो अभी भी अभी भी आज भी मेरा सोचना वही है तो ऐसे स्पेशल नहीं है जब पंजाब के लिए गया जब पंजाब के लिए खेला तब भी जब पंजाब के अगेंस्ट खेला अभी ये वाला गेम तब भी मेरा सोचना यही था कि मुझे ऐसा नहीं था कि मैं टॉप थ्री में आएंगे हम लोग या यू नो शमी अट्ठाईस ले रहा है मैं सत्ताईस लूँगा उसके तो आसपास भी नहीं था आसपास भी नहीं तो जब मैं पंजाब के अगेंस्ट खेला वो वाला गेम तब भी मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को जहाँ भी बॉल डालने का चांस मिलेगा आई ट्राई टू बोल टेन डॉट बॉल्स बस और कुछ नहीं अब उन बारह उन चौदह बॉलों में अगर मेरे को चालीस रन भी लग जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यहाँ पर मेरा एम ये था कि मुझे दस बॉलें डॉट डालनी है कैसे भी करके तो वो वाली चीज थी लेकिन हाँ और आ, उसी आ, फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मैं अंदर गया था उससे ज़्यादा मैंने कुछ सोचा भी नहीं था हाँ इफ यू डिट गेट बोर्ड एंड वॉच द होल थिंग एंड यू वॉन्ट वॉच मोर ऑफ दीज क्लिप्स हिट द सब्सक्राइब बटन एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू फगेट अबाउट आर न्यू क्लिप्स कमिंग आउट एंड न्यू एपिसोड्स कमिंग आउट हिट द बेल आईकॉन देन यू वॉन्ट फगेट